Claw. What the jack? कपू शर्मा अगर आपने गर्मी का सत्तू घोल के पी लिया तो सामने आओ. हमने नहीं पिया सत्तू, हम नहीं आएंगे सामने. तो ले जी, आपके लिए लेकर आया, पी लीजिए. अच्छा एक बात बताइए यार, इस गर्मी के मौसम में सबने आम चूसा, इतना फटाफट कैसे बदल लिया आपने अपना वेशभूषा? आओ. देखिए हम कपू शर्मा नहीं है, देश बदल रहा है तो वेशभूषा भी बदल गया. आपको कहा है, कहा है टुक टुक देख करके पकड़ के चुकी है, घुमा के फेंक देंगे आपको. चलिए ठीक है, देश का बात कर रहे हैं तो आपको माफ कर देते, लेकिन एक बात बताइए, अचानक यहाँ पर इतने खेत वेत कैसे आ गए भाई? फालतू की बात कर रहे हैं, हम लोग बरसों से खेती कर रहे हैं. बरसों से? परसों तक तो ये यहाँ पर नहीं थे. देखिए हम सिर्फ शनिवार और रविवार को आते हैं, आप जाइए यहाँ से, हमारा फसल काटने का टाइम हो गया है. चलिए. ये आप फसल काटने वाले हैं या फसल के नाखून काटने वाले हैं? ये क्या नेल कटर से कटेगा फसल? देखा बड़ा वाला हथियार लेके आते हैं, फसल डर जाती है, ऐसे नेल कटर दिखाते हैं, उसको लगता है पेडिक्योर हो रहा है, चुपचाप कट जाती है, समझ रहे हैं? हमको पता था ऐसा बेतुकी बातें करके ना आप हमारा वक्त जाया करेंगे, इसलिए हम आज वकील लेकर आए हैं. देखिए आप वकील साहब. वकील साहब. साहब इखलाक अहमद मोहम्मद जहीर और खुर्शीद लाला को मैं बचाना नहीं मारना चाहता था. चार कॉकरोच मेरे घर में घुस आए थे. और मैं गजब बस वकील साहब वहां नहीं है. नहीं है, उनको मत बोलिए कुछ नहीं किया उन्होंने. ये है आदमी, इसको पकड़िए. मायसेल्फ मोहन कुमार, मोहन कुमार यादव. और हाँ, सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक ऐसा कोई कोर्ट नहीं जहां मैंने ना लड़ा हो. इतने बड़े वकील हैं आप, अंदर नहीं जाने देंगे तो लड़ाई तो करनी पड़ेगी साहब. वैसे अदालत के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा, ये खेत आपकी? खेत सरसों के हैं. तो ये खेत देखने आए हैं साहब? देखिए हमारी खेती थोड़ी एंटरटेनिंग होती, लोग आ जाते हैं बैठने, देखते रहते तो क्या करे. तो सिद्धू जी क्या करने आए हैं यहाँ पे? देखिए वो अभी भी मंत्री बने हैं, वो कह रहे हैं कि हर चीज पर नजर रखे और किसानों की हालत खराब है, किसानों की हालत पे अगर ध्यान दे रहे तो आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है? ये हमारे जमीन पे कब्जा किया है, आप कीजिए इसके बारे में कुछ. हमने जमीन पे कब्जा किया है तो जो आपने एक हफ्ते से कब्ज करके रखा है, हमने कुछ बोला है? देखिए आपको जो भी कहना है ना, इसे डायरेक्टली हमसे बात नहीं कर सकते. आई एम नॉट देयर, दिस इज वकील, टॉक टू हिम. देखिए हम एक बात कर रहे हैं, हमारे फाजिल दोस्त नाकाबिल है, इतना भी नहीं जानते, ये जमीन जो है हमारे मूर्खों की है. लीजिए, ये क्या बात क्या सुना आपने, जमीन मूर्खों की नहीं पुरखों की होती है. हमारे पुरखों में ज्यादातर मूर्ख ही थे. कहा बताए, हमारे जो पिताजी थे अपनी शादी वाले दिन अपने दोस्त की शादी में चले गए, कहते लंगोटिया जा रहा है बुरा मानेगा. इस चक्कर में हमारी माँ की शादी हमारे चाचा से हो गई, हम अपने चाचा से हुए हैं. मतलब आपके चाचा ही आपके पापा थे? हाँ, तो जो पहले पापा थे वो चाचा हो गए ना. जो पहले चाचा होने वाले थे वो पापा हो गए, इस चक्कर में हम अपने पापा के भतीजे हो गए. क्या बात कर रहे हैं यार आप, आपकी माँ कहाँ है? हमारी माँ हमारे चाचा की पत्नी बन गई. देखिए कसूर था हमारे पापा का, लेकिन शादी हो गई चाचा से मम्मी की, हमारी नस्ल खराब हो गई, हम नहीं चाहते हमारी फसल खराब हो. यार ऐसा कॉम्प्लिकेटेड केस तो सीआईडी वाले भी सॉल्व नहीं कर सकते. अरे क्या बात कर रहे हैं, हमने सीआईडी को अपना केस सुनाया, एसी पे प्रद्युम्न का हाथ टेढ़ा हो गया, पता कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा बोल रहे हैं. बात को कहां लेके जा रहे हैं, सीआईडी छोड़िए. कहां छोड़े सीआईडी, 20 सालों से चल रहा है, सीआईडी देखते रहिए सोनी टीवी पर, अब बोलिए. देखिए अब जाइए, हमारा खेती बोने का टाइम हो गया, हमको अंडे की खेती करनी है. अंडे? देखिए ये सभी खेतों में अंडे कौन बोता है? अरे हम मुर्गी की खेती कर रहे हैं, तो कहा है ऐसे अंडा बोएंगे, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजा निकलेगा, जैसे अंडे का पेड़ निकला तो चूजी निकलेगी. हम भी सीखे हैं इस तरह चूजा चूजी नहीं निकलते हैं, अंडे के ऊपर मुर्गी को बैठना पड़ता है. हम काहे बिठाए अंडे के ऊपर मुर्गी को, हम मुर्गी को सोफा पे बिठाते हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? ये देखिए आप हमको एक बात बताइए, यहाँ पर अगर इतने सारे खेत है और ये पूरे खेतों की जगह है तो ये बड़े बड़े मकान यहाँ पर कहाँ से आ गए? ये बताइए हमारा अंडा काहे तोड़े? सॉरी. देखिए घर जो है
बचपन में हम लोग इधर मिट्टी का घर बना के दबवाया था, बड़ा हो गया क्या करे। हे होए ये आदमी हमको काफी देर से ना फालतू में घुमा रहा है। ये घर तो चलिए मान लिया उग गए, ये बताइए कि एक खेत के पास अस्पताल की क्या जरूरत है। खेतों में मॉल बन रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अस्पताल बन गए तो प्रॉब्लम हो गई। किसी शायर ने सही कहा। क्या पता नहीं कहा तो था। हाँ उसने कहा कि खो के अपनी पहचान बैठे हैं। वाह। अब आप बीच में बोलेंगे तो हम नेल कटर से तुम्हारा टेटिया काटेंगे, जो अब हाँ हाँ निकल रहा है। कहते हैं खो के अपनी पहचान बैठे हैं, चुका के अपना लगान बैठे हैं, हालत देखिए गरीबों की, खेतों में बिल्डर और सड़क पर किसान बैठे। हमें ये बताइए साहब, लॉजिक तो देना ही होगा कि खेतों में हॉस्पिटल कहां से उग रहे हैं। कहां से आज सोचने तो दीजिए तनिक। देखिए कहा है, हम इधर लंगड़े आम की खेती करते हैं। अच्छा। हाँ तो लंगड़ा आम शहर तक नहीं जा पाता है तो हम उसको इधर भर्ती करा देते, तो जाता आम है बाहर निकलता तो खास है। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए अस्पताल में आम जाके खास हो जाता है क्योंकि दूध तो बिल्ली पीती है। और बीच में बिल्ली कहाँ से आ गई। वाह, ये नहीं पूछा कि दूध कहाँ से आ गया। वाह, बिल्ली कहाँ से आ गई उसकी चिंता है। माँ के दूध का कर्ज कौन चुकाएगा। अरे माँ बीच में कहाँ से आ गई। माँ तो का दुनिया में ले आई, माँ बीच में आ गई तो माँ से प्रॉब्लम है। वकील साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं है। जय माता दी। अरे जय माता दी नहीं, जय माता दी साहब, जय माता दी। वकील साहब अपने आप को काबू में लाइए, इनसे बात कीजिए, केस लड़िए, इधर आइए आप। देखिए एक मिनट, इस तरीके की बातें आप कोर्ट में नहीं कर सकते, ठीक है। पेंट पहन के कर दे। अरे यार आप समझ ही नहीं, आप बताइए खेती के बारे में आपको कुछ ज्ञान है। आ है ज्ञान। अरे नॉलेज क्या बात कर रहे हैं आप, हम पे इल्जाम लगा रहे किसानी हमारे खून में है। आपको पता है हमारे पूर्वज पहले बैल थे, हम पढ़ लिख के इंसान बने। रुके रुके, इतना खुश होने का जरूरत नहीं है, रुकिए। अरे ऐसे कैसे बैल थे भाई, हमने तो सुना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। साहब देखिए मैं आपकी तरफ से हूँ, भले ही आप चारों तरफ से हैं, लेकिन आपके पूर्वज बंदर नहीं थे ये बात आप बोल रहे। कम से कम इतना तो सोचिए आप, कम से कम सांड मेंशन करें अपने बारे में, हम सोचे कुछ इस बारे में। हम अपने आप को सांड क्यों समझें भाई, हमने आपका लाल कच्छा फाड़ दिया क्या। आप मेरे से चाहे तो कुछ भी छीन सकते हैं, मेरा तन मेरा लहू, लेकिन कच्छा मेरा सम्मान है, कच्छा मेरा अभिमान है, और मैं कच्छा नहीं पहनता। मैं कच्छा नहीं पहनता। तो आप एक काम कीजिए, इस केस को लड़िए, थोड़े पैसे कमाइए और कच्छा खरीदिए पहले। मंजूर है। हाँ तो कीजिएगा। सबसे पहले आप एक बात बताइए, छोटे छोटे खेत कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं छोटे छोटे खेत। हमारे खेत अनपढ़ है, तरक्की नहीं कर पाए, ये तो कुछ भी नहीं, जो हमारे चाचा के है गाँव खेत बहुत छोटे हैं, हमको बाहर नहीं निकालते, गाड़ी के नीचे आ जाते हैं। इतने छोटे छोटे खेत है, गमलों में बनाया है खेत, मुश्किल तो तब आता है जब गमले में ट्रैक्टर चलाना पड़ता है। ये तो बहुत ज्यादा हो गया, गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा। एक मिनट, आप भी तो इतने ज्यादा है, हमने तो उसमें ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्या बात कर रहे हैं आप। आपको फीस कौन देता है, आप किसकी तरफ से लड़ रहे हैं। आप धन्य हैं सर। हाँ तो ये बोलिए ना। हाँ कैसे हो गया। तो बताइए गमले में ट्रैक्टर कैसे चलेगा। अब चाचा को कौन समझाए, पागल ठहरे चला लेते हैं, छोटे छोटे शहरों में बड़े बड़े ट्रैक्टर चलते रहते हैं। ये बेकार का बात कर रहे हैं, खेती के बारे में कुछ नहीं पता। एक मिनट ये बताइए, ये पेड़ देखिए यहाँ पे, ये दुनिया भर के सारे फ्रूट्स एक ही पेड़ पे कैसे उग रहे हैं। ऐसा नहीं उग सकता है, ये मिक्स फ्रूट पेड़ है, कभी मिक्स फ्रूट जूस नहीं पिया का। तो आप बताइए क्या बात हुई। देखिए भगवान कहे है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। फल की चिंता मत करें, भगवान के बीच में नहीं आना, इसमें तो मैं साथ कतई नहीं दूंगा साहब। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, भगवान ये बात मानने को कतई तैयार नहीं होंगे कि पेड़ पे गन्ना भी उग सकता है। गन्ना पेड़ पे। ओ सिद्धू जी के डर की वजह से हो गया। ये आपने बहुत गन्नी बात की है, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत गन्नी बात है। आपके खेत में यहाँ पर ये गाय बैल भेड़ बकरी है ये तो समझ में आया, खेत में शेर कहाँ से आ गया। वो कहाँ से आया। हाँ क्या है, क्या चल क्या रहा है।
बताइए वकील साहब को बताते हैं, बैठिए चार पाए पे, आप मत बैठिए, आप कर रही हैं जी। हमारे जो चाचा थे जी, जूता लेके कौन बैठे ऐसे किसी की चार पाई पे? सॉरी, हमारे जो चाचा थे वो मगरमच्छ के साथ इतना दोस्ती था। अच्छा अच्छा। ये मगरमच्छ मेरे चाचा को देखते ही ऐसे क्लैप करता था, इतना दोस्ती था। एक बार चाचा को देखा, बुला लिया, कहता बाहर क्या खड़े हैं, अंदर आइए, पेट में चाय पी के जाइए, तब से आए नहीं, इतने फ्रेंडली हैं। पेट में चाय पी, ऐसे देखिए इनकी बात में लॉजिक है, आप किस हारेंगे? नहीं नहीं, ऐसे कैसे हारेंगे, हम वो लेकर आएंगे जो मर्जी से मद्देनजर रखते हुए होता है सब कुछ, क्या कहते हैं उसे, सबूत 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 लाएंगे आपके खिलाफ। हमें दो मिनट का वक्त दीजिए, आप जरा हमारे साथ आइए, हम जरा गुफ्तगू करके आते हैं। गुफ्त करिएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है इधर। I'm just a common man. We are coming back. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.